मध्य प्रदेश में 29 सीटों का चुनावी रण शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इसके पहले मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव की तैयारियों के साथ ही नई ज्वाइनिंग अभियान में जुटी हुई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस और अन्य दलों को कमजोर करने में जुटी है। पिछले कई दिनों में कांग्रेस के कई पूर्व विधायक, सांसद और पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है। भाजपा का दावा है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यालय की, जहां रोजाना कांग्रेस, बीएसपी और कई विपक्षी दलों के नेता, कार्यकर्ता आकर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं को साधने और पार्टी में शामिल करवाने के लिए बकायदा न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इसका प्रभार दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले दो महीनों में 16,000 से ज्यादा कांग्रेस, बीएसपी और सपा के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूंगा, भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। अभी तक आज के छोड़ के 14,758 लोग, तो मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और मित्रों चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। अगर मैं ये कहूं कि गिरीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती हो, तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। बीजेपी का दावा है कि न्यू ज्वाइनिंग से जो रिकॉर्ड बना है उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। हर जिले में ज्वाइनिंग की एक समिति बनाई गई है जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। समिति नामों की स्क्रीनिंग कर नाम मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा को भेजती है। टीम इस पर फैसला करती है। बड़े नामों पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है। इसके साथ ही बीजेपी में ज्वाइनिंग के लिए रोज सुबह एक लिस्ट तैयार की जाती है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में ज्वाइनिंग होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब ने जो प्रधानमंत्री के पर विश्वास व्यक्त किया, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ जब लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग में, तो ज्वाइनिंग में एक ही आधार है और वो आधार है भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हर व्यक्ति का विश्वास, चाहे कोई दल है, चाहे कोई क्षेत्र है। हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर समाजों में आज प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो प्रधानमंत्री का मंत्र और संकल्प है, उस पर आज लगातार ज्वाइनिंग में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब आपको वो सूची बताते हैं जिसमें कांग्रेस के उन नेताओं के नाम शामिल है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व सांसद, 12 पूर्व विधायक, 16 नए पुराने जिला अध्यक्ष, एक मौजूदा महापौर समेत कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी का दामन थामने वाले कांग्रेस नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, यादवेंद्र सिंह, अरुणोदय चौबे, अर्जुन पालिया, विशाल पटेल, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर का नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व महाविधिवक्ता शशांक शेखर, मनोज चावला, पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, बसपा के स्टार प्रचारक रामलखन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज भी बीजेपी में सपा और कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में तकरीबन रोजाना ही सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज भी कटनी जिले से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और खासतौर पर नेता पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रणय पांडे, विधायक बोरीवन, और हमारे ये शंकर महतो जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे, इनने चुनाव लड़ा था। मैंने, हमने दोनों चाचा भतीजे भी, हम दोनों हमने सामने चुनाव लड़ा। आज चाचा ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की है। चाचा पुराना ही परिवार, मुझे लगता है हम लोग जब पैदा हुए थे इनके सामने ही पैदा हुए, तब से भारतीय जनता पार्टी में। तभी बीच में 3-4 महीने के लिए कुछ मनमुटाव मतभेद हम लोगों के बीच में हुआ होगा, उसके चले गए थे, पर आज लौट के उनका आशीर्वाद मुझे भी मिला है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे साथियों के साथ। आज समाजवादी पार्टी में रहे या कांग्रेस में भी रहे? मैं कांग्रेस में, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हूँ भाई साहब, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। आप बताइए क्यों मोहभंग होता जा रहा है कांग्रेस के नेताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, जो बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए, हम लोग तो जो व्यक्तिगत मेरी बात करूँ तो मैं विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का शुरू से हूँ, और
कांग्रेस की बात करें या समाजवादी की बात करें तो समाजवादी का मध्य प्रदेश में अभी कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस की बात करें अगर तो कांग्रेस सो चुकी है, उसके लीडर जो है वो सो चुके हैं घर पे, उनका मन नहीं लग रहा, काम ख़त्म है उनका। तो अब ये बताओ ऐसी परिस्थिति जहाँ होगी और जहाँ हमारा परिवार, खुद का परिवार ऊपर जा रहा है तो अपने परिवार को छोड़ेगा कौन, उस पर रहेगा। यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि जो डर रहे हैं ईडी के, ईडी से, आईटी से, वो नेता जो हैं वो लगातार छोड़ कर जा रहे हैं। तो हम लोग तो किसान हैं, हम लोग काय को डरेंगे, किसान नहीं डरता कभी, किससे डरेगा। अचानक से ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि जो आंकड़ा है, नंबर है, 16,000 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता पदाधिकारी बीजेपी में आए हैं, ये अचानक से इतनी भगदड़ क्यों मची हुई? बस वही कारण है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ता को, अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए सब मोहभंग करके आ रहे। जहाँ अच्छा नेतृत्व होगा, अच्छे लोग होंगे, वहाँ लोग आएंगे। कोई बातचीत भी होती है क्या, जिम्मेदारी यहाँ पर? क्योंकि पहले तो हम देखते थे जो नेता आते थे उन्हें फटाक से कोई पद मिल जाता था, कोई जिम्मेदारी मिल जाती थी, अभी तो उस तरह की बातें भी नहीं हो रही। देखिए किसी शर्तों क्या, हम लोग बिना शर्त वाले, हमारी कोई शर्त नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जब 2 रुपये की सदस्यता होती थी, जबकि हम मेम्बर हैं, बीच में हम लोगों को कुछ कारण बन गए, छोड़ गए, फिर आ गए। तो ऐसा कोई जो जवाबदारी पार्टी देगी उसके लिए हम तैयार करेंगे। तो यही कारण है कि 16,000 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता पदाधिकारी और अन्य पार्टियों के भी नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मगर बड़ी बात यह है कि ये तमाम नेता बिना किसी शर्त के बीजेपी में आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस अभियान पर जोर दे रहे हैं, करीब हर ज्वाइनिंग में वो शामिल भी होते हैं। रोजाना ही सुबह 11 बजे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं। सीएम मोहन यादव का कहना है कि आज बंडिंग का जमाना है, ये कोपल के पौधे हैं, एक पेड़ पर दूसरा पौधा लगाया जाता है, ये पीएम मोदी की राजनीति है और बीजेपी की विचारधारा है। आजकल बंडिंग का जमाना है ना, वो एक पेड़ में दूसरा पौधा, दूसरा पेड़ क्या लगा, ग्राफ्टिंग हो जाती है, ग्राफ्टिंग होती है। लेकिन ये परमात्मा की दया से वापस यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की राजनीति, भाजपा के विचारधारा के तुम बोला और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर भरोसा करके आप हमारे बीच में आए, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है, डर और लालच के कारण ये लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये संगठन की कमजोरी नहीं है, ये भय और लालच दोनों का मिश्रण है। ऐसे ऐसे लोग जिनको सब कुछ मिला, जिनको सब कुछ मिला वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी में हजारों कांग्रेस नेता शामिल हो चुके हैं। फिलहाल ये सिलसिला कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो जारी रहने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा पाती है या नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि देश भर में सबसे ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता अगर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हुए हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका दावा पेश करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये वो नेता हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है, वही नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल बीजेपी में कांग्रेस नेताओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।